और आज तक जितनी भी चोरी हुई है इसकी जिम्मेवार है यहाँ का एसपी, यहाँ का डीसी, यहाँ की प्रशासन और हरियाणा का मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज सुबह 11 बजे अटेली के एक निजी गार्डन में अटेली के पूर्व विधायक नरेश यादव ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आपको बता दें कि सम्मेलन शुरू होने से पहले ही हाल पूरी तरह से भर गया, इसके बाद हाल से बाहर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और आइए अब आपको सम्मेलन लेकर चलते हैं जहाँ नरेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। जिन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी की जो झूठ की जो लहर थी उसका जो मुकाबला किया, जिन लोगों ने खास तौर से उन सब बूथ लेवल के वर्कर्स को मैंने बुलाया है, इसलिए चुनाव में सबसे बड़ा साथ कांग्रेस पार्टी का, हमारे दलित और गरीब लोगों ने मर्दानगी से मुकाबला करते हुए और हमारा साथ दिया कांग्रेस पार्टी का। मैं सबसे पहले उन बहादुर सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने बूथ पर जाकर के मोदी की झूठ का, मोदी के फ्रेड का मुकाबला किया और कांग्रेस पार्टी को पिछली वर्ष से ज्यादा मत इस मोदी लहर में मिले अटेली क्षेत्र से। और इलाके में जब भी कोई जुल्म जाती हुई अत्याचार न्याय हुआ सबकी हमने ईमानदारी से आवाज उठाई और आगे भी उठाते रहे। चोर भी पकड़े गए, डीजीपी का चोर भी पकड़ा गया, आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई। अटेली में चोरी हुई, 3 लाख रुपए का थैला छीन कर ले गए, एक आदमी को मुकदमा बना दिया, 3 आदमी से पैसे खा करके पुलिस चुपचाप है। खेती और पशुधन के अलावा कोई काम नहीं हमारे पास और इस पर होगी डकैती, ये हो गए असुरक्षित। फवारा की चौकीदारी करूं, भैंस की करूं, बकरी की करूं, सामान की करूं, के करे आदमी, एक झटका दिखाऊं आज सरकार को, बोलो हाथ खड़ा कर। मिला बेटी सिंह फोन, इसी फोन मिला और एसपी नहीं मिला। मैं इस साल चाह रहा था कि ये लोग जो है ना, एक प्रशासनिक कोई भी अधिकारी आकर इनका ज्ञापन ले, इनको आश्वासन दे। अभी अटेली में चल रही है महापंचायत, हेलो, नहीं तो किसी साहब पैदल चल के आपके पास आ गए, आधे घंटे में 1 घंटे में आपका अधिकारी आ गया तो ठीक है, नहीं हम पद यात्रा करते हुए आपसे ज्ञापन देने आ रहे। पैसे वाले लोग, स्कूलों वाले लोग, कॉलेजों वाले लोग, जिन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा वो लोग, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो वो लोग, अरे काहे किस चीज की शांति कर रहे हो तुम लोग? कल तुम लोकसभा के लिए वोट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आज तुम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, क्या मुद्दा था तुम्हारा? किस मुद्दे के लिए खड़े हुए थे जब तुम्हें 10 दिन बाद भाजपा में जाना था तो तुम लोकसभा के लिए गुमराह करने क्यों आए थे लोगों के पास? जिसकी भी सुनते हैं मुझे वो विचार उसे, वो विचार उसे, वो विचार उसे, आलू को नंबर से भाई बीजेपी में जा रहा, और जाने नहीं कह रहा कि हम नहीं जा रहा, अरे कम से कम देखो हम नहीं जा रहा, तुम मुंह को कह दो जनता ने कि हम नहीं जा रहा, मुड़े सा इन्हें सारा ने भाग जाना दो, या कांग्रेस पार्टी आप लोगों की पार्टी है, इसके संरक्षक आप लोग हो, ये प्रवासी पक्षी आए और गए, जाने दो इनको, कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। जब मैं एमएलए था चोरी हो गई थी तो मैंने कहा एसपी साहब या तो पैसे दो या चोरा ने पकड़ के लिया, उनका तो रुपया अपन देना पड़ेगा। रात ने पकड़ लिया वैश्चा, रात में एसपी खुद गए, डीएसपी गए, 3 SHO गए,
भैंस तो भैंस झोटा में भी मैं वहां से लेकर ही मिल जाएगी। सब सड़कों को संघर्ष कर करके हुए निर्दलीय होते पावर हाउस सारे लोहे के खंभे बनवाए 30 साल पुराने पूरे के लिए हल्के भी और सारे तार रहे डले अब तो केवल भी आ गई जैतना ये सुमाए के पैसे ने मेवा द्वारा ले जा रहा सी ऐतना ही थमने चुनाव सी दो दिन पहले यो मोदी के सिखाओ सुनाओ सही और बताओ फिर सुनाएगा चुनाव वालों से फिर सुनाएगा सुन मत लियो चुनाव जीतते ही छोटी बच्ची से बलात्कार बलात्कार के बाद उसकी हत्या और आपके आंदोलन से चार दरिंदों को फांसी की सजा और उन्हीं दरिंदों के उनके परिवारों को साथ लेकर के विधायक आज भी चलती है वही परिवार के पास सारे डिपो सारा काम उन्हीं के पास कौन सा करेक्टर है जिस करेक्टर से वो वोट मांग रही है क्या एक महिले का यही चरित्र है मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है मुझे एमएलए बनकर कोई पैसा व्यापार खड़ा नहीं करना जब मेरे किसी कार्यकर्ता ने फोन कर दिया कि भाई नरेश यादव ये जाति हो रही है तो उस जगह अगर मैं नहीं पहुंचा हूं जब तो मैं आपका दोषी हूं फिसलना नहीं आखिरी दो दिनों में बहकना नहीं वोट तुम्हारी है बटन तुमको दबाना है। इसके बाद पूर्व विधायक नरेश यादव बाजार से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार सुरेश कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा चोर डकैतों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो चोर डकैतों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस कैप्टन होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस तेरी तन्ना चाहिए यही चाहिए अधिकारी चाहे उनको गिरफ्तार करे और गरीबों की जिनकी भैंस सोनी हुई है जिनके रेण सोनी हुए उनकी भ्रमण कराए सरकार लोगों को सुरक्षा देना लोगों के जान माल की रक्षा करना लोगों के पशुधन की रक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है 16,000 रुपए देकर ठेकाने का काम किया और लाख लाख रुपए की भैंसों की चोरी शुरू करवा दी 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो जोरदार प्रदर्शन होगा भारी प्रदर्शन होगा और उसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। आज हमने ये जो ज्ञापन दिया है आज हमारा कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन था और हम सम्मेलन की तैयारी कर रहे थे तो गांव में गए तो पता लग गया कि लगभग सभी गांव में चोरियां हो रही है कहीं भैंस चोरी हो रही है कहीं लोगों के फुहारे चोरी हो रहे हैं कहीं बकरियों के रेवड़ चोरी हो रहे हैं। हमने तय किया था परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम इसका एक ज्ञापन गवर्नर के माध्यम से देंगे मीटिंग के बाद। तो हमने 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर पुलिस अपनी टीम बढ़ाए और जितने भी ये चोर हैं लुटेरे हैं कुछ नारनौल में जो रंगदारी वसूल करते हैं इन सबको चोरों को भैंस के चोरों को डकैतों को रंगदारी करने वालों को सबको पुलिस गिरफ्तार करे और लोगों की बरामदगी कराए। कुछ केसेस में चोरी चोर पकड़े गए लेकिन बरामदगी का सारा माल पुलिस खा गई किसी भी व्यक्ति को राहत नहीं मिली। पुलिस बताया कि हमने किस किस का क्या माल बरामद करके दिया है पिछले 2 साल में पुलिस बताया कि कितनी चोरी पकड़ी गई है। दमदार खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।